गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डू इंग्लिश वर्कबुक एंड इन दिस बुक वी आर गोइंग टू डू चैप्टर नंबर 5, लेटर फ्रॉम अ ग्रैंड चाइल्ड। लेटर फ्रॉम अ ग्रैंड चाइल्ड। ग्रैंड चाइल्ड कौन होता है? पोता या फिर पोती। जैसे कि आपके दादाजी होंगे, दादी जी होंगे, तो आप उनके लिए क्या हो? ग्रैंड चाइल्ड। आपके मम्मा पापा उनके बच्चे हैं और आप उनके बच्चों के बच्चे हो, तो आप उनके लिए क्या हो गए? ग्रैंड चाइल्ड। और आपके दादाजी आपके क्या हुए? ग्रैंड फादर। सो दिस इज़ अ चैप्टर ऑन लेटर फ्रॉम अ ग्रैंड चाइल्ड। ये एक लेटर है इसमें जो किसने लिखा है? एक ग्रैंड चाइल्ड ने, एक पोता या फिर पोती ने। नाउ लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर। डियर ग्रैंडपा। डियर ग्रैंडपा मतलब प्यारे दादाजी। It has been a long time since I wrote to you. अब क्या कह रहा है यहाँ पर जो grandchild है कि दादाजी, बहुत ज़्यादा long time, लंबा समय हो चुका है जब से मैंने आपको letter लिखा है, मतलब आपको letter लिखे हुए मुझे बहुत time हो गया है। I was busy with my school sports day and annual exams. मैं कहाँ बिजी था? मैं अपने स्कूल के स्पोर्ट्स डे में, स्कूल के किस में? स्पोर्ट्स डे में। और मेरे क्या आ रहे थे? एनुअल एग्जाम्स आए हुए थे, पेपर हो रहे थे, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा बिजी था। आफ्टर दैट उसके बाद, एज यू नो जैसा कि आपको पता है, वी हैड टू मूव टू शिलोंग बिकॉज ऑफ डैड्स ट्रांसफर। और उसके बाद आपको जैसे कि पता है, मुझे कहाँ जाना पड़ा, हम सबको कहाँ जाना पड़ा? शिलोंग। कहाँ जाना पड़ा? शिलोंग। शिलोंग कहाँ है? शिलोंग है मेघालय में। शिलोंग मेघालय की कैपिटल है। तो जैसा कि आपको पता है कि हमें कहाँ जाना पड़ा? शिलोंग। हमें वहाँ पर मूव करना पड़ा। क्यों मूव करना पड़ा? बिकॉज ऑफ डैड्स ट्रांसफर, पापा के ट्रांसफर की वजह से। उसके पापा का क्या हो गया था? ट्रांसफर हो गया था, और इसी वजह से उसे क्या करना पड़ा? अपने पापा मम्मा के साथ कहाँ जाना पड़ा? शिलोंग। माय पेरेंट्स एंड आई लव दिस प्लेस। मेरे मम्मा पापा को और मुझे ये जगह बहुत अच्छी लगती है। देयर आर नॉट मैनी कार्स एंड पीपल ऑन द रोड्स। यहाँ पर तो क्या नहीं है, यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ और बहुत सारे लोग भी रोड पर नहीं होते। द रोड्स आर वेरी क्लीन। यहाँ की जो रोड्स हैं वो कैसी हैं? द रोड्स आर वेरी क्लीन। रोड्स कैसी हैं? क्लीन है, साफ हैं। आई लव इट ड्यूरिंग द डे। मुझे दिन के समय में बहुत अच्छा लगता है। बट द नाइट्स आर वेरी कोल्ड। लेकिन जैसे ही रात होती है, जो रात का समय होता है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है। दिन में तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन रात को, जो रात होती है यहाँ की, वो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड होती है, ठंडी होती है। द हाउस वी आर लिविंग इन इज ऑल्सो वेरी प्रिटी। और जिस घर में हम रह रहे हैं वो भी कैसा है? बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है, बहुत ही सुंदर है। इट हैज़ अ लॉन इन फ्रंट ऑफ and a kitchen garden in the backyard. और जो हमारे घर के सामने है, क्या है हमारे घर के सामने? हमारे घर के सामने एक lawn है। क्या है? एक lawn। कहाँ पर है? front। front मतलब सामने, आगे। तो हमारे घर के आगे क्या है? एक lawn है। an
एंड अ किचन गार्डन इन द बैकयार्ड। और घर के पीछे क्या है? किचन गार्डन, मतलब किचन है और किचन के साथ एक बहुत ही अच्छा गार्डन है। आई हैव सम गुड फ्रेंड्स हियर, और यहाँ पर मेरे कुछ अच्छे दोस्त भी हैं। दे हैव शोन मी हाउ टू मेक कैंडल स्टैंड्स आउट ऑफ पाइन कोन्स। और जो मेरे फ्रेंड्स हैं उन्होंने मुझे क्या सिखाया है? उन्होंने मुझे सिखाया है कि कैसे कैंडल स्टैंड्स बनाते हैं। कैंडल स्टैंड मतलब जिस पर हम कैंडल को खड़ा रख सकते हैं। तो कैसे कैंडल स्टोन्स बनाते हैं? आउट ऑफ पाइन कोन्स। ना व्हाट यू विल से दैट, मैम व्हाट इज पाइन कोन? पाइन कोन क्या होता है? दिस इज पाइन कोन, आप देख सकते हैं ये क्या है, पाइन कोन, पाइन कोन। तो जो मेरे फ्रेंड्स हैं उन्होंने मुझे दिखाया है, क्या दिखाया है कि इन पाइन कोन्स की हेल्प से हम कैंडल स्टैंड कैसे बनाते हैं। दे हैव ऑल्सो मेड मी टेस्ट द डिफरेंट बेरीज यू गेट हियर। और उन्होंने मुझे यहाँ की अलग अलग तरह की बेरीज जो होती हैं वो टेस्ट भी कराई हैं। क्या कराई है? टेस्ट कराई है बेरीज। दैट टुक अस टू सी द वॉर्ड्स लेक। पापा हमें कहाँ लेकर गए? पापा हमें वॉर्ड्स लेक दिखाने के लिए लेकर गए। एंड द एलिफेंट्स फॉल लास्ट वीक। और क्या दिखाने के लिए लेकर गए? एलिफेंट्स फॉल। तो उसके पापा उसे क्या क्या दिखाने के लिए लेकर गए थे? वॉर्ड्स लेक एंड एलिफेंट्स फॉल। और कब लेकर गए थे? लास्ट वीक। दे आर ब्यूटिफुल। वो कैसी है? बहुत ही ज्यादा सुंदर है, ब्यूटिफुल है। यू एंड ग्रैंडमा शुड कम टू शिलोंग सून। आपको और दादी माँ को भी शिलोंग जल्दी ही आना चाहिए। वी कैन हैव लॉट्स ऑफ फन टुगेदर। और हम साथ में क्या कर सकते हैं? बहुत ही ज़्यादा मज़े कर सकते हैं। आई एम श्योर यू विल लव दिस प्लेस। और मैं मुझे पक्का पता है कि आपको ये जगह बहुत अच्छी लगेगी। थैंक यू फॉर द बोर्ड गेम यू सेंट ऑन माई बर्थडे। अब वो क्या कह रहा है कि आपने जो मुझे मेरे बर्थडे पर बोर्ड गेम भेजा है उसके लिए थैंक यू, आई रियली लाइक्ड इट। ऑल्सो प्लीज थैंक ग्रैंडमा फॉर द बॉक्स ऑफ क्रेयॉन्स शी सेंट मी। और अब आपको क्या करना है? आपको दादी जी को भी थैंक यू बोलना है। किस लिए? फॉर द बॉक्स ऑफ क्रेयॉन्स शी सेंट मी। दादी जी ने जो मुझे क्रेयॉन्स का एक डब्बा भेजा था, क्रेयॉन्स का एक बॉक्स भेजा था, उसके लिए आपको उन्हें क्या कहना है? थैंक यू, इट हैज ऑल द कलर्स आई वॉन्टेड। और इसमें वो सारे कलर्स हैं जो मुझे चाहिए थे। योर्स लविंगली सलमान। आपका प्यारा सलमान। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। तो आपको क्या करना है? यू हैव टू रीड दिस लेटर ट्वाइस, यू हैव टू रीड दिस चैप्टर टू टाइम्स। आपको इस लेटर को क्या करना है? टू टाइम्स रीड करना है। विच प्लेस डिड सलमान एंड हिज पेरेंट्स मूव टू। अब सलमान और उसके पेरेंट्स कहाँ गए थे? शिलोंग गए थे या फिर शिमला गए थे? You have to take the correct answer. It is very cold at night in Shillong. Shillong में रात के समय बहुत ठंड लगती है। You have to write is true or false. You have to tell that the statement is true or false. Next is Salman's house has a dash in front. Salman के घर के सामने क्या था? Lawn and a kitchen garden. The dash. और किचन गार्डन कहाँ था? बैक मतलब पीछे, यार्ड का क्या मतलब होता है? यार्ड मतलब आंगन। तो घर के पीछे का जो गार्डन होता है उसे हम क्या कह देते हैं? किचन गार्डन। और वो गार्डन कहाँ पर था? बैकयार्ड में। हिज डैड टुक देम टू सी द डैश एंड द डैश।
अब आपको यहाँ पर फिल करना है कि उसके जो पापा थे वो उन्हें घुमाने के लिए कहाँ लेकर गए थे। When did Salman's grandparents, what did Salman's grandparents send him? जो सलमान के दादाजी थे और दादी जी थे उन्होंने उसके लिए क्या भेजा था? A toy and a box of crayons या फिर a board game and a box of crayons? You have to take the correct answer. After it, answer these questions. You have to answer these. How many letter words can you make using the letters in Shillong? आपको शिलोंग में जितने भी लेटर्स दिए हुए हैं आपको इनका यूज़ करके फोर लेटर वर्ड्स बनाने हैं, ऐसे वर्ड बनाने हैं जिनमें फोर लेटर्स होते हैं। जैसे कि शिलोंग से क्या बन सकता है? लॉन्ग, LONG, लॉन्ग, SONG, सॉन्ग। ऐसे ही आपको टू आपको मैंने बता दिया, अब आपको बाकी के टू खुद ढूंढ कर यहाँ पर राइट करने हैं। ऐसा ही क्वेश्चन नेक्स्ट है बर्थडे। बर्थडे में भी आपको क्या करना है? फोर लेटर वर्ड्स को आपको यहाँ पर ढूंढ कर राइट करना है। लाइक बाथ, डर्ट। तो इसी तरह से आपको इसमें भी टू वर्ड्स और फाइंड करने हैं और यहाँ पर राइट करने हैं। And now your last question is, what do you put in these things? One has been done for you. Envelope मतलब लिफाफा। Envelope के अंदर क्या होता है? Letter। Jug के अंदर क्या होता है? आपको यहाँ लिखना है। Basket में क्या होता है? Basket में क्या होता है? आपको बताना है कि basket में क्या होता है? Next is vase। Vase में क्या होता है? The last one is purse। पर्स में क्या होता है? सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू रीड दिस लेटर ट्वाइस एंड ट्राई टू डू दिस एक्सरसाइज। सो स्टूडेंट्स, स्टे एट योर होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।